वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर हम यह संकल्प बार बार दोहराते हैं कि हम हमेशा सच के साथ रहेंगे, सच की वकालत करेंगे और कुछ भी हो जाए हम सच का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स द फाइनेस्ट बेकरी शॉप नाउ ओपेंड एट बेलवागंज लहेरिया सर। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑल माइटी पब्लिक स्कूल इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा दरभंगा एंड ऑल माइटी पब्लिक स्कूल जूनियर छोटी काजीपुरा दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर रामबाग कैंपस दरभंगा, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दगरू सेठ ज्वेलर्स GM रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश, एस फैशन मार्ट राजकुमारगंज मिर्जापुर रोड हनुमान मंदिर के निकट दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ V2 मॉल के निकट आस्था मार्केट स्टेशन रोड मिर्जापुर दरभंगा। तैयारियां अंतिम चरण में, केवटी एवं जाले विधानसभा क्षेत्र में 6 मई को मतदान, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है यह इलाका। वोटिंग के बाद से दरभंगा बाजार समिति में बने वज्रगृह में रखे हुए हैं EVM। 3-लेयर सिक्योरिटी के बीच जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी एवं SSP ने किया निरीक्षण। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर खूब हुई पत्रकारिता की स्वतंत्रता की वकालत, दरभंगा यूनेस्को क्लब ने पत्रकारों को किया सम्मानित। जीसस एंड मेरी अकेडमी के विद्यार्थियों ने लहराया सफलता का परचम, CBSE की 12वीं की परीक्षा में 436 में से 430 ने हासिल की कामयाबी। और इंक्विजिटिव के फाइनल में पहुंची 8 स्कूलों की टीमें, रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन द्वारा आयोजित हो रहा कंपटीशन, 12 मई को होगा फाइनल। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर में। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल रामबाग किला दरभंगा, CBSE करिकुलम क्लास प्ले टू 5th को एजुकेशन एंड क्लास 6 टू 10th ओनली फॉर गर्ल्स, विद हॉस्टल फैसिलिटीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद स्मार्ट क्लासेस, वेल मेंटेन प्लेग्राउंड विद इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। टुगेदर वी अचीव द Completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well-qualified and dedicated teachers will equip library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio-visual facility, indoor and outdoor games for all-round development of your world. Priya Creations, Mithilanchal ka pehla ethnic designer studio, complete women's wedding collection ke saath. V2 मॉल के निकट आस्था मार्केट स्टेशन रोड मिर्जापुर दरभंगा। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, न्यू एरा पब्लिक स्कूल इन फ्रंट ऑफ लहेरिया सराय थाना दरभंगा।
इको फ्रेंडली पीसफुल एंड हेल्दी एटमोस्फेयर एक्सपोजर टू वेरियस कल्चर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्मार्ट क्लास फैसिलिटीज एज वेल एज ओलंपियाड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कम सी एंड डिसाइड। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI प्लस टू शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहरिया सराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021 क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन अवधि 2 वर्ष शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फीटर अवधि 2 वर्ष शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं स्वस्वीकृत संस्थान के कार्यालय से ₹500 नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट, मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहरिया सराय दरभंगा। और समाचार अब विस्तार के साथ। तैयारियां अंतिम चरण में, केवटी एवं जाले विधानसभा क्षेत्र में 6 मई को मतदान, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है यह इलाका। केवटी एवं जाले विधानसभा क्षेत्र में 6 मई को होगा मतदान। 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन हेतु 6 मई 2019 को मतदान होगा। दरभंगा जिले के 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 6 मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, लिहाजा दरभंगा जिले के इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 6 मई को 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक मतदान कार्य निर्धारित है। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा क्षेत्र में मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। 86 केवटी विधानसभा क्षेत्र में कुल 294 मतदान केंद्र जो 203 भवनों में अवस्थित हैं तथा जाले विधानसभा क्षेत्र में 303 मतदान केंद्र हैं जो कुल 198 भवनों में अवस्थित हैं। इन दोनों विधानसभा में निर्वाचन हेतु प्रतिनियुक्त पोलिंग पार्टी विधानसभावार निर्धारित स्थल पर योगदान देगी एवं मतदान सामग्री प्राप्त करेगी। 86 केवटी विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनियुक्त पोलिंग पार्टी दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा मब्बी में एवं 87 जाले विधानसभा क्षेत्र में मतदान कराने हेतु प्रतिनियुक्त पोलिंग पार्टी प्लस टू प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय रामपुरा सिंहवाड़ा में योगदान करेगी, वहीं से मतदान सामग्री भी प्राप्त करेगी। विदित हो कि कर्तव्य पर तैनात मतदान कर्मियों को दैनिक यात्रा भत्ता की राशि पूर्व में ही उनके बैंक खाते में RTGS कर दी गई थी। 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा क्षेत्र में मतदान कराने हेतु क्रमशः 294 एवं 303 पोलिंग पार्टी की प्रतिनियुक्ति की गई है। 10% सुरक्षित मतदान दल भी चिन्हित किए गए हैं। जिले में लोकसभा आम निर्वाचन 2019 पूर्ण स्वच्छ एवं निष्पक्ष संपन्न कराने हेतु सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 86 केवटी में 102 गश्ती सह संग्रहण दल तथा 87 जाले में 91 गश्ती सह संग्रहण दल कर्तव्य पर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही केवटी में 31 माइक्रो ऑब्जर्वर तथा जाले में कुल 42 माइक्रो ऑब्जर्वर भी आवंटित मतदान केंद्र पर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कार्य की निगरानी हेतु सेक्टर दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी एवं सुपर जोनल दंडाधिकारी तैनात रहेंगे। वोटिंग के बाद दरभंगा बाजार समिति में बने वज्रगृह में रखे हुए हैं EVM, 3-लेयर सिक्योरिटी के बीच जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी एवं SSP ने शुक्रवार को किया निरीक्षण। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बाजार समिति शिवधारा अवस्थित वज्रगृह का निरीक्षण किया और वज्रगृह के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बताते चले आपको कि मतदान के बाद से ही EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को यहीं वज्रगृह बाजार समिति परिसर में सुरक्षित 3-लेयर की सुरक्षा में रखा गया है। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल दरभंगा, नोडल अधिकारी वज्रगृह दरभंगा आदि भी उपस्थित हुए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर खूब हुई पत्रकारिता की स्वतंत्रता की वकालत, दरभंगा यूनेस्को क्लब ने पत्रकारों को किया सम्मानित। दरभंगा यूनेस्को क्लब ने पत्रकारों को किया सम्मानित।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर शुक्रवार को सीएम कॉलेज दरभंगा में सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें दरभंगा यूनेस्को क्लब की ओर से शहर के कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। सभी पत्रकारों ने इसके लिए दरभंगा यूनेस्को क्लब और सीएम कॉलेज के प्रति आभार जताया। बतौर मुख्य अतिथि सीएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए दरभंगा यूनेस्को क्लब के प्रति आभार व्यक्त किया। सेमिनार को संबोधित करते उन्होंने कहा कि 1991 में कोलंबो के एक पत्रकार ने सत्ता के खिलाफ एक खुलासा किया था, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद 1993 से पूरी दुनिया में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है। आज का दिन पत्रकारों के सम्मान का दिन है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता को दुनिया में सबसे ताकतवर स्तंभ माना जाता है। नेपोलियन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे लाखों संगीनों से नहीं 3 अखबारों से डर लगता है। सेमिनार को संबोधित करते हुए दरभंगा यूनेस्को क्लब के अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी ने कहा कि आज मीडिया का दिन है। उन्होंने सभी पत्रकारों का स्वागत करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनेस्को ने 1991 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाने की घोषणा की थी। 1993 में यूनेस्को ने पेरिस के सम्मेलन में घोषणा की थी कि 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाएगा। उसके बाद से इसे पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। इस वर्ष यूनेस्को पेरिस द्वारा इथोपिया के एडिस अबाबा में 1 से 3 मई तक वृहत आयोजन रखा गया है। सेमिनार में कॉलेज के छात्र पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, कंचन कुमार, आस्था निगम, मोहम्मद आफ्ताब आलम, सुधांशु कुमार और मोहम्मद एजाज ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन दरभंगा यूनेस्को क्लब की सचिव डॉक्टर सीमा कुमार ने किया। क्लब की ओर से ब्यूरो प्रभारी दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, सन्मार्ग, राष्ट्रीय सहारा, नव बिहार टाइम्स, कौमी तंजीम, बिहार टेलीविज़न नेटवर्क, न्यूज़ टुडे दरभंगा, SCS न्यूज को पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान हेतु मंच पर आमंत्रित कर अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। SH अली ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मौके पर उपाध्यक्ष मनोरंजन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रिंकू कुमार झा, अशोक कुमार पंसारी, SH अली, RR चौबे, राम बाबू शाह, सैयद आलम, शैलेश कुमार, नीलम पंसारी, अध्यक्ष मारवाड़ी महिला शाखा दरभंगा, नीलम अग्रवाल, LNMU के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक सरदार अरविंद सिंह आदि उपस्थित हुए। आज हम मीडिया के द्वारा ही किसी देश के किसी कोने में बैठकर दुनिया के किसी कोने में घटित हुई घटना को टेलीविजन या रेडियो के माध्यम से बड़ी आसानी से देख या सुन सकते हैं। थैंक यू। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और प्रेस मीडिया ने किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत की असलियत को दुनिया के सामने रखने के लिए अखबारों का माध्यम उठाया था। सोच करना, मीडिया के कारण ही आज हमारे समाज में, अभी कुछ दिनों पहले वोटिंग हुआ था, आपने गौर किया होगा कि मीडिया के जो जागरूकता अभियान हुए थे उसके कारण लोग दूर दूर से आए हुए थे, मुंबई से, दिल्ली से, यहाँ से, पटना से, लोग दो दो दिन की, तीन तीन की सफर यात्रा करके आए थे वोट डालने के लिए। इसका सीधा क्रेडिट मीडिया को जाता है क्योंकि उन्होंने जो मेहनत किया है उसका सीधा प्रमाण ये हमें देखने को मिलता है कि लोग अपने कर्तव्य के प्रति, अपने ड्यूटीज के प्रति जागरूक हुए और अपना जो अधिकार था उसको निभाया और जो समाज के लिए जरूरी है उसमें अपना योगदान दिया। इसका सीधा सीधा क्रेडिट मीडिया को जाता है। धार कलम की रुकी नहीं, तख्त झुके, झुकी रियासत, मीडिया कभी झुकी नहीं। लिख रहा है सच अगर जब आप ना लगाम दे। देश में भी और बिहार में भी टॉपर लड़की हुई है। किन मुद्दों पर हमें सरकार को चुनना है या जो भी मुद्दे हैं, ये मुद्दे बेसिकली मीडिया द्वारा निर्माण किए जाते हैं और इन मुद्दों के चुनने में आज के डेट में इसके व्यवसायीकरण और TRP की रेटिंग का बहुत अधिक योगदान होता जा रहा है, जिससे कि बचने की आवश्यकता मुझे व्यक्तिगत तौर पर महसूस होती जा रही है। इस नैरेटिव जो बिल्ड होती जा रही है कि हम किन मुद्दों को लेकर के समाज में आगे बढ़े, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जैसे कि अभी वर्तमान परिदृश्य में आप लोग सब नए नए वोटर्स हैं, नए नए लोगों ने वोटिंग की होगी, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि अभी वर्तमान में जो सामाजिक विषमताएं हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, या वर्तमान में जो हम लोगों के यहाँ जो चीजें हैं उन लोगों पर हम लोगों के बीच बहस नहीं हो रही है। हिसाब से एक नैरेटिव बनाते हैं जिस पर आम जनता चलती है, सो डेफिनेटली आप लोगों का दायित्व बढ़ जाता है कि इस नैरेटिव को बहुत पॉजिटिव और समाज कल्याण या देश
बिल्डिंग के लिए आप लोग लेकर चले। अष्टमी बोले चौबे जी, तो तीन बातें आई। ऐसी बात नहीं कि देखिए चारु स्तंभ जो है इसमें हरासमेंट आया है, लेकिन मैं अभी भी मीडिया को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसमें काम करता हूँ, मैं तीनों से अव्वल मानता हूँ। जहाँ बोले कि टीआरपी और व्यवसायीकरण, अगर इस व्यवसायीकरण पर ध्यान नहीं दिया जाए तो जनसत्ता जैसे अखबार जो कि सरकार पर हमला करता था वो अखबार बंद हो गए। आज के दौर में व्यवसायीकरण भी एक अहम चीज हो गया है। जिस समय सर काम करते थे उस समय जिस संस्था में सर थे उर्दू अखबार में, तो सर पर एक पैसा भी खर्चा नहीं होता था। आज जो भी ऑफिस है जो भी अखबार है सब पे काफी पैसे खर्च हो रहे हैं। मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और कबीर की ये पंक्ति और है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। अपने दोस्तों के लिए कि जो पार कर चुके हम वो आग का दरिया था, अब सामने गरजता है रेत का समंदर। जो पार कर चुके हम वो आग का दरिया था, अब सामने गरजता है रेत का समंदर। और अपने संघर्ष और अपने जो हम लोग जिस क्षेत्र में सक्रिय हैं उसके लिए कि जिंदगी क्या बड़ी मुझसे होगी, जिंदगी से बहुत ही बड़ा मैं। एक तरफ सारी दुनिया की तोहमत, एक तरफ अकेला खड़ा मैं, एक तरफ। हमारे मेंबर श्री एस एच अली यहाँ है। अली साहब नेक्स्ट ऑनर के लिए प्लीज आप आगे आ जाइएगा। सामने देखेंगे चाहिए, 3 रुपया से 5 रुपया में, साथ में कुछ गिफ्ट भी चाहिए। कहाँ से आप खबर पढ़ पाइएगा, आपकी मनोवृत्ति ही नहीं है खबर पढ़ने की। आपको चाहिए जो विज्ञापन दाता जिस तरह का खबर दे रहा है वो आपको पढ़ना है। और टोटल जितना विज्ञापन मिल रहा है अखबार चलाने में, चूंकि 3 रुपया आप दे रहे हैं तो 14 रुपया वो विज्ञापन दाता दे रहा है, अखबार उसका है। आपका अखबार नहीं है, मेरा अखबार नहीं है। चौबीस घंटे 7 दिन की बात करें तो कंटिन्यूअस जो मीडिया कर्मी होते हैं वो सिर्फ मीडिया कर्मी होते हैं। उनके पीछे के दर्द के एहसास को आम जनता संभवतः बहुत कम प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो समझ पाते हैं कि उनकी एक अपनी भी जिंदगी होती है, अपना भी एक पारिवारिक जीवन होता है, एक सामाजिक जीवन होता है, एक दर्द होता है, एक जिम्मेवारी होती है। कहीं वे बीमार भी पड़ते हैं, कहीं वे हादसे के शिकार भी होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जिस संस्था ने आज के दिन उनके लिए कुछ घंटे दिया उनको धन्यवाद, कॉलेज परिसर ने इसमें सहयोग किया, मुश्ताक साहब को धन्यवाद, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। और ऐसे ही मीडिया कर्मियों के बारे में लोग जानेंगे तो हम समझते हैं कि यह उनके प्रति एक सच्चा आदर होगा। बहुत कम नजर आता है।
मंच पर विराजमान बतौर मुख्य अतिथि पत्रकारिता के शिखर पुरुष सीएम कॉलेज दरभंगा के विद्वान प्राचार्य प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद, मंच का संचालन कर रही मैनेजमेंट की आइकॉन डॉक्टर सीमा कुमार जी, दरभंगा यूनेस्को क्लब के अध्यक्ष सम्मानित विनोद पंसारी जी, कोषाध्यक्ष सम्मानित रिंकू झा जी, मारवाड़ी महिला समिति की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती नीलम पंसारी जी, अशोक पंसारी जी, मनोरंजन जी, सभागार में बैठे हमारे तमाम वरिष्ठ संपादक जन, आदरणीय श्री नवीन सिन्हा जी, सभी वरिष्ठ पत्रकारगण, सभागार में बैठे मेरे प्रिय बच्चों छात्र छात्राओं, आपको सबसे लास्ट में संबोधित किया है, लेकिन आप में मैं वो प्रतिभा अपनी देखता हूँ, अपनी वो छवि देखता हूँ, चूंकि इनमें कुछ मेरे विद्यार्थी भी बैठे हैं जिनको अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ। आप में मैं अपनी वो छवि देखने की चाहत रखता हूँ जो काम शायद हमसे छूट गए, समाज में परिवर्तन के जो काम शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, आप में वो उम्मीद नजर आती है मुझे, इसलिए आपको संबोधित करते हुए मैं बहुत खुशी अनुभव कर रहा हूं। पत्रकारिता की जो आज स्थिति है, सही कहा है सबों ने कि आज हमारे जीवन की ओर कोई नहीं झांकता। पहले माँ बाबू जी पूछते थे कि होली दिवाली भी तुमको छुट्टी नहीं होती, और आज बच्चे पूछते हैं क्या पापा होली में भी आपको छुट्टी नहीं होती। लेकिन अब सबों को आदत पड़ गई है, परिवार के लोगों को भी अब आदत पड़ गई है, वो समझते हैं कि सुबह यह निकलेगा और रात को देर रात ऊँगता हुआ जमाई लेता हुआ घर लौटेगा। हम अपने काम से कितने संतुष्ट होते हैं या तो हमें खुद जज करना होता है, लेकिन जब सारी खबरों को संकलित कर अपने सहयोगियों से उन्हें कलेक्ट कर जब हम उन्हें टेलीविजन पर प्रसारित कर देते हैं, उस वक्त लगता है कि एक बड़ा काम हमने कर लिया है। असर उसका चाहे जितना हो, आवाज जितनी दूर तक जाए, यह लगता है कि हमने अपना काम बखूबी करने की पूरी कोशिश की है। एक बात बस अपने बारे में कहूंगा, चूंकि पत्रकारिता के बच्चे भी यहां बैठे हैं, आपको मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, इसलिए नहीं कि मैं खुद एक पत्रकार हूं, इसलिए कि आप पत्रकारिता के फील्ड को चुनकर समाज में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि समाज सेवा का सर्वोत्तम माध्यम मेरी नजर में पत्रकारिता है। एक छोटी सी बात मैं आज शेयर करता हूं, जीवन के इतने वर्ष बीतने के बाद भी 18 साल की पत्रकारिता में भी जो बात मैं नहीं कह सका, किसी से शेयर नहीं कर सका, आज इस भरी सभा में कहता हूं। अपने बाबूजी की एक बात मुझे याद आती है, हर बच्चे का आदर्श उसका पिता होता है, मेरे भी आदर्श मेरे पिता ही रहे हैं। बचपन में मैं बहुत गरीबी में पढ़ा लिखा हूं, बहुत गरीबी में पला हूं, एक वक्त की रोटी खाकर हमने पढ़ाई की है, हमारे घर पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, बावजूद घर के बर्तनों को बेचकर माँ बाप ने हमें पढ़ाया है। पड़ोस में एक अमीर परिवार रहा करता था जिनके घर टीवी था लगा हुआ, वो बहुत पहले अमूमन बहुत घरों में टेलीविजन नहीं होता था, बहुत गिने चुने लोगों के यहां जो अमीर होते थे उनके यहां टेलीविजन लगा होता था। पड़ोस के घर में टीवी का न्यूज देखने के लिए रेडियो हमारे घर में था, उस पर देख के जी नहीं भरता, तो टीवी पर कैसे तस्वीरें आती हैं वो देखने के लिए टेलीविजन पर पड़ोस के घर चला जाता था, कभी कभी चुपके चुपके चला जाता था। जब घर लौटता था तो बाबूजी की वो आंखें आज भी मुझे याद हैं, जो बहुत क्रोधित नजरों से मुझे देखा करती थी, लगता था जैसे मैं कोई गुनाह करके आया हूं। लेकिन एक दिन उन्हीं बाबूजी ने मुझे कहा, दूसरों के घर टीवी देखने के लिए लाइन लगाए रहते हो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें लोग टीवी पर देखें, तुम टीवी पर। और जिस दिन मैंने समाचार बोलना शुरू किया तो उन्हीं बाबूजी ने कहा, एक बस दो मिनट का वक्त लूंगा, एक शहर के बड़े चिकित्सक के यहां जब मैं गया, बाबूजी ने कहा कि उनसे अगर मुझे तुम दिखा दोगे तो मैं समझूंगा तुमको लोग पहचानते हैं। उस डॉक्टर साहब से पहचान थी हमारी, मैं गया, स्लिप दिया मैंने, अंदर से 5-7 मिनट बाद ही वो डॉक्टर साहब की मेहरबानी थी, बाहर निकले और बोले, संतोष जी के पिताजी कहां हैं? तो मेरे बाबूजी भावुक हो गए, थरथराने लगे। जब बाहर निकले, जब दिखा कर लौटे तो उन्होंने कहा कि अब मैं गांव जाना चाहता हूं। मैंने कहा अब तो मेरे साथ, उस वक्त मैं बैचलर रहता था, उन्होंने कहा कि अब क्यों गांव जाना चाहते हैं? मैंने पूछा कोई गलती हो गई मुझसे? तो उन्होंने कहा नहीं, अब मेरे बेटे के नाम से लोग मुझे जानने लगे हैं, इसलिए मेरा गांव जाना चाहिए। आभारी हूं
श्री नवीन सिन्हा जी का, बीटीएन न्यूज के सम्मानित संपादक जी का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मेरे अंदर कुछ प्रतिभा रही हो या नहीं रही हो, मैंने उसे सामने लाने की कोशिश की। दरभंगा यूनेस्को क्लब का बहुत बहुत आभार, आपने मौका दिया, हम पत्रकारों के लिए वक्त आपने चुना, हमें बोलने का अवसर दिया, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए, ये तो दरभंगा यूनेस्को क्लब का कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस के अवसर पर हर साल ये लोग मनाते हैं। इस बार सीएम कॉलेज दरभंगा को इन्होंने मौका दिया है, उनके आभार व्यक्त करते हैं। दरअसल ये चिंतन का विषय था कि जो भूमिका होनी चाहिए एक प्रजातंत्र देश में, उस पर आपने हमारे बच्चों के विचार सुने और सभी जो लोग थे उनके विचार सुने आपने, और इस प्रोग्राम का एक खास मकसद ये था कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार हैं जो निष्ठा से समाज की सेवा कर रहे हैं, उनकी स्वीकृति भी हो, उनको हमको स्वीकार करना चाहिए, और इसी के लिए ये सम्मान सभा उन्हीं के लिए बुलाई गई थी। और उसी में यह भी हुआ, चिंता मंथन हुआ कि क्या पत्रकारिता आज उस सिमत में चल रही है जिस सिमत की धारणा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी, या फिर अन्य जो हमारे समाज सुधारक उन्होंने की थी, या एक प्रजातंत्र देश में जिसकी सीमा जिन्होंने एक सीमा तय की थी पत्रकारिता क्या होगी, उस पर चिंतन मनन हुआ है। इस तरह से ये अगर देखें तो बहुत ही सफल कार्यक्रम है, और यूनेस्को क्लब का ये जो प्रयास है वो सराहनीय है। ये चूँकि बहुत अभी खुली ही है तो यह पहला कार्यक्रम था ये, जिसमें हम लोगों ने सोचा कि दिन रात जो मीडिया हमारे लिए काम करती है, जिनके लिए न दिन होता है न रात होती है, सुबह सुबह हमें अखबार मिलता है, सारे देश विदेश की जो है न्यूज़ हमें मिल जाती है, सारे जहां से हमें जोड़े रखती है जो मीडिया, आज उसके लिए हम लोग कुछ करें। यूनेस्को इंटरनेशनल इस क्षेत्र में बहुत काम कर रही है, आज 1993 से इस क्षेत्र में यूनेस्को इंटरनेशनल काम कर रही है, और किसी न किसी देश में मीडिया की जो समस्या है उसे ऊंचे लेवल तक उठा करके आती है, और सारा जो है सो उसका निदान कैसे हो इसका प्रयासरत रहती है। तो ये यूनेस्को इंटरनेशनल का एक बहुत बड़ा जो है सो योगदान है प्रेस के लिए, कि वो प्रेस के लिए सोचती है और प्रेस को जो समस्याएं हैं उसको आगे सरकार तक और आम जनता तक पहुंचाती है, उसी की एक कड़ी के रूप में हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे निमंत्रण पे ब्यूरो प्रभारी और संपादक लोग आए और उन लोगों को हमने सम्मान दिया। क्या होना चाहिए, बरसों से यही देख रही हूँ कि प्रेस बहुत मेहनत करता है और लोगों को प्रेस को बस यूटिलाइज़ करना आता है, प्रेस की अहमियत या उसको सम्मान देने की बात छोड़ दीजिए, सोचते भी नहीं है, वो एक मानकर चलते हैं कि प्रेस है वो तो दिन रात लगा रहेगा, एक वर्कर के जैसे वो बस वर्क करता रहता है और उसको इंडिविजुअली कोई आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो हम लोगों ने बस यही चाहा कि आज जो दिन है ये अच्छा मौका था कि हम लोग भी समाज के एक प्लेयर होने के नाते, हम लोग भी समाज में ही रहते हैं तो प्लेयर होने के नाते हम लोग ये मौका नहीं चूके और प्रेस को ये एहसास दिलाएं कि आप भी हमारे लिए अहम हैं। जीसस एंड मेरी एकेडमी के विद्यार्थियों ने लहराया सफलता का परचम, 436 में से 430 ने हासिल की कामयाबी। प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा, संस्थापक सचिव डॉक्टर संजय सिंह एवं प्रबंध निदेशक यशराज सिंह ने पत्रकारों को दी जानकारी। इस मौके पर बच्चे और उनके अभिभावक भी मौजूद थे। सीबीएसई की 12वीं के परिणाम घोषित होते ही जीसस एंड मेरी एकेडमी के विद्यार्थियों का उत्साह चरम पर रहा। 12वीं की परीक्षा में जीसस एंड मेरी एकेडमी के विद्यार्थियों ने सफलता का परचम खूब लहराया। विद्यालय से कुल 436 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 430 ने कामयाबी हासिल की। इसमें विज्ञान संकाय के छात्र आदित्य कुमार, वाणिज्य संकाय की छात्रा सृष्टि सिंह एवं कला संकाय की कुमारी सिमरन व अदिति कर्ण ने क्रमशः 96.6, 94.4 एवं 94.6% अंक लाकर प्रथम स्थान हासिल किया।
विद्यालय के 35 छात्र एवं छात्रा 90% से अधिक अंक लाने में सफल रहे। साथ ही 140 से अधिक छात्र एवं छात्रा 80% अंक के साथ विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाने में कामयाब हुए। 25 से अधिक विद्यार्थी कुछ विषयों में 100% अंक हासिल कर विद्यालय का गौरव बढ़ाने में सफल हुए। परीक्षक फल की उपलब्धि पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉ. मधुरिमा सिन्हा, संस्थापक सचिव डॉ. संजय कुमार सिंह एवं प्रबंध निदेशक यशराज सिंह ने पत्रकारों को तमाम जानकारी दी। और मेरे माता पिता का पूर्ण सहयोग था। मेरा एम IAS ऑफिसर बनना। जैसे सर मारी अगर 95% अपने माता पिता और अपने टीचर्स को इंजीनियर किसी भी गार्जियन को अच्छी अनुभूति होती है जब बच्चे सफल होते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के लिए इसका जोर से मेरा बेटा ही है। कोई भी शिक्षक के द्वारा पढ़ाया हुआ छात्र अगर अच्छा करता है तो कितना अच्छा लगता है ध्यान नहीं कर सकता। 9 स्टूडेंट्स शामिल हुए और इसमें से 35 ने 90% एंड अबव लिया, 140 ने 80% एंड अबव लिया। विद्यार्थी जो भी अच्छा करते हैं उनके पीछे उनकी अपनी मेहनत, स्कूल का मार्गदर्शन, स्कूल का अनुशासन और माता पिता की मेहनत और अनुशासन ये बहुत काम करता है। जो बच्चे रेगुलर क्लास किए हैं उनका रिजल्ट अच्छा रहा है हमेशा से। क्लास टीचिंग के को कभी भी कोचिंग नहीं ये कर सकता है। क्लास टीचिंग बच्चा अगर क्लास में जाएगा और टीचर अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अनुशासन अगर अच्छा होगा तो बच्चे के लिए कंप्लेन क्यों आएगा। बच्चा तो एक एनर्जी का स्रोत है जिसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है और पेरेंट्स, बच्चे खुद और स्कूल सभी उनको चैनलाइज करता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग भी बदमाशियाँ नहीं कर सकते, कोशिश हमारी रहती है कि नहीं करें। स्कूल में जो रेगुलर पढ़ाई होती है हमारे बच्चों ने रेगुलर पढ़ के और स्कूल का जो मार्गदर्शन था उस पर चल के आज अपनी काबिलियत को दिखाया है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ कि वो जहाँ जाएँ, जिस फील्ड में जाएँ, वो ऐसे ही ऊँचे होते जाएँ, बड़े होते जाएँ और सफलता को प्राप्त करें। देखिए, कोई भी बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो आधा वो अपने माता पिता का होता है, आधा स्कूल का होता है। तो जितनी मेहनत स्कूल उनके पीछे करती है गार्जियन को भी उतनी ही मेहनत, साथ में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों के लिए। अच्छा रिजल्ट अगर पाना है तो स्कूल में रेगुलर क्लास में भेजना पड़ेगा, जो कि भेजते हैं हमारे गार्जियंस, भेजते हैं हमारे स्कूल, और उसी का नतीजा है हमारे बच्चे इतने राइज किए हैं आज। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल, आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility, all the vehicles are enabled with GPS, rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games.
कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू एसएमएस अलर्ट सिस्टम एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स 5 acres एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस ऑल क्लासरूम्स आर एज पर सीबीएसई नॉर्म्स फॉर मोर डिटेल्स डायल 7763819774 शैलेंद्र झा प्रिंसिपल सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश एस फैशन मार्ट राजकुमारगंज मिर्जापुर रोड हनुमान मंदिर के निकट दरभंगा बनिए पत्रकार जुड़िए हमारे साथ न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की यदि आप में है वो जुनून हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबका स्वागत बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर तैयारियां अंतिम चरण में केवटी एवं जाले विधानसभा क्षेत्र में 6 मई को मतदान मधुबनी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है यह इलाका वोटिंग के बाद से दरभंगा बाजार समिति में बने वज्रगृह में रखे हुए हैं ईवीएम 3-layer सिक्योरिटी के बीच जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने किया निरीक्षण वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर खूब हुई पत्रकारिता की स्वतंत्रता की वकालत दरभंगा यूनेस्को क्लब ने पत्रकारों को किया सम्मानित जीसस एंड मेरी एकेडमी के विद्यार्थियों ने लहराया सफलता का परचम सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में 436 में से 430 ने हासिल की कामयाबी और इंक्विजिटिव के फाइनल में पहुंची 8 स्कूलों की टीमें रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन द्वारा आयोजित हो रहा कॉम्पिटिशन 12 मई को होगा फाइनल इंक्विजिटिव के फाइनल में पहुंची 8 स्कूलों की टीमें रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन द्वारा आयोजित हो रहा है कॉम्पिटिशन 12 मई को होगा फाइनल इनक्विजिटिव प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची 8 स्कूलों की टीमें रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने 3 मई को इनक्विजिटिव नाम के अंतर स्कूल की इस प्रतियोगिता के प्रथम चरण का आयोजन किया parentsalarm.com के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 34 निजी एवं सरकारी विद्यालयों ने हिस्सा लिया सभी विद्यालयों की टीम में 3 छात्र छात्रा थे प्रथम राउंड में सभी टीमों को 40 प्रश्नों के उत्तर 30 मिनट की अवधि में लिखने थे इस लिखित राउंड के प्रदर्शन के आधार पर कुल 8 टीमों को फाइनल के लिए चयन किया गया है 12 मई को आयोजित किए जाने वाले फाइनल राउंड के लिए चयनित टीमों की सूची में मेडोना इंग्लिश स्कूल रोज पब्लिक स्कूल लालबाग अमन अकेडमी दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली मोड़ सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल रामबाग शामिल हैं इन चयनित स्कूलों के अलावा इस प्रतियोगिता में जीसस एंड मेरी एकेडमी दिल्ली पब्लिक स्कूल उडबाइन मॉडर्न स्कूल DAVML एकेडमी राज हाई स्कूल आदि ने भी हिस्सा लिया रोटरी क्लब मिड टाउन के प्रेसिडेंट डॉक्टर कन्हैया झा ने इस क्विज प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दरभंगा ज़िले में पिछले कई सालों से एक बड़े एवं व्यवस्थित स्तर पर क्विज की कोई प्रतियोगिता नहीं हुई थी इसी रिक्त स्थान को भरने की दिशा में रोटरी मिड टाउन ने पिछले साल से इनक्विजिटिव की शुरुआत की है क्लब के सचिव डॉक्टर अमिताभ सिन्हा ने बताया कि बदलते परिवेश में सामान्य ज्ञान और प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत अधिकतर प्रतियोगिताओं में पड़ती है रोटरी क्लब मिड टाउन की ओर से इवेंट को सफल बनाने में रजत अग्रवाल डॉक्टर नीरज प्रसाद डॉक्टर प्रवीर सिन्हा डॉक्टर अनिल नारायण सिंह डॉक्टर अभिषेक सर्राफ अशोक चौधरी कैलाश सिंह अशोक झा डॉक्टर विनोद सिंह डॉक्टर RNP सिन्हा डॉक्टर संजीव मिश्रा और विशाल गौरव का पूर्ण सहयोग और सक्रिय भूमिका रही अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति द्वारा रोजी चाइल्ड स्कूल में डेंटल चेकअप कम अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति द्वारा रोजी चाइल्ड स्कूल में डेंटल चेकअप कम अवेयरनेस कैंप लगाया गया कार्यक्रम का उद्घाटन शहर की मेयर वैजंती देवी खेड़िया तथा रोजी चाइल्ड स्कूल के डायरेक्टर विनोद सिंह अनिता सिंह एवं डॉक्टर कमर हासमी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया श्रीमती वैजंती खेड़िया ने समिति के कार्यों की सराहना की स्कूल के डायरेक्टर विनोद सिंह ने कहा कि मारवाड़ी महिला समिति द्वारा दांतों के चेकअप का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है बच्चे इससे लाभान्वित होंगे और जब भी इन्हें हमारे परिसर की जरूरत होगी हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे प्राचार्य श्रीमती अनिता सिंह ने कहा कि इस भागम भाग भरी जिंदगी में महिला समिति हर वक्त समाज के लिए कुछ न कुछ करती रहती है इनका यह प्रयास बहुत प्रशंसनीय है नेशनल डेंटल हॉस्पिटल का नाका नंबर 5 पर रविवार 5 मई को हो रहा है भव्य शुभारंभ पत्रकारों को दी गई जानकारी
नेशनल डेंटल हॉस्पिटल का नाका नंबर 5 पर रविवार 5 मई को हो रहा है शुभारंभ। पत्रकारों को डॉन बॉस्को स्कूल परिसर में SAH आबदी और उनकी पूरी टीम एवं चिकित्सकों ने दी जानकारी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का मकसद ये है कि 5 तारीख को नाका नंबर 5 कोतवाली चौक पे एक नेशनल डेंटल हॉस्पिटल का आयोजन किया जा खोला जा रहा है, जिसमें डॉक्टर यूसुफ साहब, असद यूसुफ और डॉक्टर नाजिया अनवर, ये दोनों हैं जो होस्ट करेंगे। असद यूसुफ साहब हमारे मामा के बच्चे लड़के हुए और ये इनके वालदा हुई, उधर मेरी मिसेज है, मैं हूँ और मेरी बेटी है। तो आप लोगों को बुलाने का ख़ास मकसद ये है कि आप लोग जैसे कि चौथे पिलर हैं तो आपके ज़रिए कुछ एक्सपोजर तो मिलना ही चाहिए, और ये देखना है कि इन लोगों का काम अच्छा हो, आप लोगों का भी आशीर्वाद स्नेह मिले हमको और हमारे बच्चों को। मकसद इसी पर है। आपके सामने डॉक्टर नाजिया, डॉक्टर असद यूसुफ। नेशनल डेंटल हॉस्पिटल में सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल एक्सरेज, मॉडर्न सिटी स्कैनिंग, मॉडर्न एक्सरे यूनिट, और हमारे यहाँ सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोविजन है। विद इन 1 आवर हम सिंगल सिटिंग RCT कंप्लीट करके देते हैं पेशेंट को, और ओरल हेल्थ चेकअप प्लान्स हमने शेड्यूल किया है फॉर एवरी मंथ। हमने प्लान किया है कि 2 to 3 विजिट्स हम स्कूल या कोई सोशल एरिया में प्रोग्राम शेड्यूल करेंगे, जिससे हेल्थ अवेयरनेस कॉमन पब्लिक के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेयरनेस का एक प्रोग्राम हो। इससे जितना इम्पॉर्टेंट हेल्थ चेकअप्स हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है कि डेंटल चेकअप भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो अवेयरनेस पहुँचाने के लिए हमने डेंटल हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे NGOs के थ्रू शेड्यूल करने का सोचा है। अब बहुत सही सवाल आपने पूछा है। 5 मई को डेंटिस्ट्री का लेवल दरभंगा में रेज हो जाएगा। नेशनल डेंटल हॉस्पिटल खुलने के बाद डेंटिस्ट्री में एटलीस्ट एक टेक्टोनिक शिफ्ट आएगा, इसलिए कि हम लोग पेशेंट को ये बता पाएंगे कि हमारे विभाग में भी ग्रेजुएशन के बाद जो मास्टर डिग्री है वो 9 अलग अलग विभाग में होती है, जिसमें से 2 विभाग के स्पेशलिस्ट आपके सामने बैठे हैं। हम MDS की बात कर रहे हैं। तो जब डॉक्टर साहब ये बोलती हैं अवेयरनेस, तो बहुत सारे इलाज पेशेंट तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो करने के डॉक्टर्स दरभंगा में अवेलेबल नहीं हैं। जब हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी डेंटिस्ट्री की, तो इसका हॉरिजॉन बहुत वाइड हो जाता है। तो उसको हम लोग कैसे समेटेंगे? उसको हम ऐसे समेटेंगे कि मेरा डिपार्टमेंट ऑर्थोडॉन्टिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स है। तो जब हम डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स शब्द बोलते हैं तो ये बहुत आसानी से लोगों तक की बात अभी तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि इस तरह के डॉक्टर्स अभी तक दरभंगा में कम है। जब हम ये कहते हैं कि ये एक डेंटल हॉस्पिटल है, ये डेंटल क्लिनिक नहीं है, तो ये हम कैसे एक जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मेरे सेटअप पे, ये हमारे सेटअप पे जो पूरे दरभंगा का सेटअप है, उसमें हर विभाग का अलग अलग डेंटल चेयर, हर विभाग के स्पेशलिस्ट ही काम करेंगे। तो जो आपने सर सवाल पूछा कि किस तरह से ये अलग है, ये इस तरह से अलग है कि डेंटिस्ट्री में जो और 9 डिपार्टमेंट होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, जो 9 अलग अलग सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं, उसमें से 2 PG आपके सामने बैठे हैं। इसीलिए हमारे हर जगह इन्विटेशन कार्ड से लेके आप देखिएगा, ये एंडो ऑर्थोडॉन्टिक सेंटर है। एंडोडॉन्टिस्ट मतलब दांत बचाने की जितनी प्रक्रिया है उसके स्पेशलिस्ट ये हैं, और जब हम ऑर्थोडॉन्टिक्स बोलते हैं तो चेहरे की हड्डी से रिलेटेड जो है उसके स्पेशलिस्ट हम। तो ये दोनों जब एक जगह मिलेगा, इस तरह से डेंटिस्ट्री का लेवल दरभंगा में बढ़ेगा। तो 2020 के बाद से हमको ये लगता है कि डेंटिस्ट्री स्पेशलाइज होती जाएगी दरभंगा में हम लोग के आने के बाद। ये देर तक का समाचार, बता लेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। तैयारियां अंतिम चरण में, केवटी एवं जाले विधानसभा क्षेत्र में 6 मई को मतदान। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है यह इलाका। वोटिंग के बाद से दरभंगा बाजार समिति में बने वज्रगृह में रखे हुए हैं EVM। 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी एवं SSP ने किया निरीक्षण। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर खूब हुई पत्रकारिता की स्वतंत्रता की वकालत। दरभंगा यूनेस्को क्लब ने पत्रकारों को किया सम्मानित। जीसस एंड मेरी अकेडमी के विद्यार्थियों ने लहराया सफलता का परचम। CBSE की 12वीं की परीक्षा में 436 में से 430 ने हासिल की कामयाबी।
और इंक्विजिटिव के फाइनल में पहुंची 8 स्कूलों की टीमें। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन द्वारा आयोजित हो रहा कंपटीशन 12 मई को होगा फाइनल। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। यह संकल्प दोहराते हुए कि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि हम हमेशा सच के साथ रहेंगे, सच का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।